मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल में मीडिया से रूबरू हुए, जहां प्रदेश के बाढ़ के हालातों पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में भयावह स्थिति बनी हुई है, जिसमें 11,000 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। वहीं गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय लिया गया है, जिसके तहत होमगार्ड के जवानों को भी आपदा प्रबंधन में शामिल किया गया है। वहीं कल स्वयं के द्वारा किए गए रेस्क्यू को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भयावह स्थिति को देखते हुए 9 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा ओलंपिक में भारत को पदक मिलने पर भारतीय टीम की सराहना की है। तेज बारिश शिवपुरी सोपुर में नहीं बताई है, मध्यम बारिश बताई, लेकिन उधर चंबल का कोटा बैराज खुलने से शाम तक उसका खतरा बढ़ेगा। बाढ़ में लगभग 1250 कुल गांव आंशिक रूप से प्रभावित थे, इनमें से 294 ज्यादा प्रभावित गांव थे। 11,050 लोग सीधे प्रभावित हुए थे, इनमें से 11,100 लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला गया। बाकी फंसे हुए लोग गंभीर उसमें नहीं थे, ऊंचे स्थान पर थे, इसलिए वो चिंताजनक स्थिति में नहीं थे।